आजकल तो लोग देश में ये भी कहने लगे हैं कि कमल का फूल और हमारी भूल। देखिए, इन्होंने कहा मोदी जी की कब्र खुदेगी, ये नहीं कहा मोदी जी भस्म हो जाएंगे। इनके लिए शहादत भी वोट बैंक है, इनके लिए हिंदू मुस्लिम भी वोट बैंक है। अगर टेक्निकलिटी प्रॉब्लम है तो कौन क्या नवाज शरीफ दूर करेंगे उसको? एक कांग्रेसी को आप जेल में नहीं डाल पाए कि हमने तो पाकिस्तान के भी दो टुकड़े किए। अफजल गुरु की डेड बॉडी छोड़ी है, एक पेन भी उसके परिवार को नहीं दिया। हाँ, हिंदी मीडिया की रीच नहीं है, वहां पर मोदी जी अपने जो संदेश है, जो दोषपूर्ण और द्वेषपूर्ण संदेश है, उसको नहीं पहुंचा पा रहे। लेकिन इतना जरूर है कि सुभाष चंद्र बोस जी की सेना जब अंग्रेजों से लड़ रही थी तो आरएसएस अंग्रेजों की सेना में भर्ती होने के इश्तेहार दे रही थी कि आप अंग्रेजों की सेना में भर्ती होइए। हम तो सोचते चीन से डरते हो तो अडानी से भी डरते हैं। गोधरा के लोगों की डेड बॉडीज को लेकर अहमदाबाद में कौन सड़कों पर निकला? जो लोग हिंदू आतंकवाद कहते थे उनको आप मंत्रिमंडल में रखते हैं? आप लोगों के दोहरे चेहरे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है पार्टी के लिए, और पहला आपको निराशा के गर्त में डूबा हुआ बताया है, कुछ लोगों को देश ने नकार दिया ये भी बताया है, और जब तक मोदी जी हैं तब तक देश का आशीर्वाद उनको मिलता रहेगा, ये प्रधानमंत्री का दावा है। कि मुझे लगता है कि निराशा की गर्त में तो पूरा देश ही है, और उसका कारण, मूल कारण जो है, इस देश की जो भी तानाशाही व्यवस्था है, इस देश की जिस तरह से इन्होंने अर्थव्यवस्था का कचूंबर निकाला है, विदेश नीति को तोड़ा है, पूरा देश ही निराशा में है। देश के प्रधानमंत्री बने हुए आप अपनी बात करें, अभी भी वो पंडित नेहरू जी से शुरू करके और यहाँ पर कांग्रेस पर ही आकर अपना भाषण समाप्त कर देते हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको लगता है कि देश में चारों तरफ मोदी मोदी हो रहा है? मोदी साहब, ऐसा नहीं है। आजकल तो लोग देश में ये भी कहने लगे हैं कि कमल का फूल और हमारी भूल, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जिस तरह से तमाम संवैधानिक संस्थाओं को और तमाम मीडिया के एक बहुत बड़े वर्ग को काबू कर लिया है, तो वही दिखाई दे रहा है लोगों को। और जहां तक हिंदी मीडिया की बात है, खास तौर पर अभी हम चर्चा कर रहे थे कि जहां हिंदी मीडिया की रीच नहीं है वहां पर मोदी जी अपने जो संदेश है, जो दोषपूर्ण और द्वेषपूर्ण संदेश है, उसको नहीं पहुंचा पा रहे। गजब बेइज्जती है। तो पूरा आज देश जो है वो कहीं ना कहीं ऐसे गर्त में जा रहा है जहां से आना मुमकिन बहुत मुश्किल होगा। क्या ये नारा लगाना उचित था, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, वो भी प्लेन के टारमैक पर? देखिए बिल्कुल दीपक जी, इस तरह का नारा, अब वो पता नहीं कांग्रेस का व्यक्ति है या कोई बाहरी व्यक्ति है, लेकिन जो भी व्यक्ति है वो इस तरह का नारा कहीं पर भी नहीं लगना चाहिए, वहां पर कोई प्रेजेंट हो और चाहे नहीं हो। आज मैंने स्वयं एक मीटिंग में कहा कि इस व्यक्ति को आइडेंटिफाई किया जाए, कौन है ये व्यक्ति। अभी तक सही से मुझे नहीं पता चल पाया है कि व्यक्ति कौन है। आपने विरोध करना भी चाहा, सेल्फ गोल इसलिए हो गया क्योंकि बीजेपी प्रधानमंत्री के जो अपमान है उसको कांग्रेस खिलाफ बहुत बेहतर तरीके से बुनाती है। देखिए बीजेपी का ये यूएसपी बन गया है, बीजेपी किसके लिए क्या कहती है उस पर नहीं काम बात करना चाहती। बीजेपी कहती है कि गोली मारो और उसके बाद उन लोगों को जो है मंत्री बना दिया जाता है। जो लोग 100 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहते हैं, खूनी पंजा कहते हैं, कांग्रेस की विधवा कहते हैं, बेटी पढ़ाओ और बेटी पटाओ का नारा देते हैं, वो लोग ठीक हैं। दीपक जी, एक बात की दाद देनी पड़ेगी इन लोगों की, ये लोग गाली बकने में और घृणा फैलाने में भी वोट बैंक का पूरा ध्यान रखते हैं। देखिए, इन्होंने कहा मोदी जी की कब्र खुदेगी, ये नहीं कहा मोदी जी भस्म हो जाएंगे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। यानी इतना अद्भुत पॉलिटिकल सेंस जो है, जो कांग्रेस पार्टी ने इस नारे में दिखाया है, वो मेरे विचार से अनमैचिक है इंडियन पॉलिटिक्स में, क्योंकि सामान्यतः भारतीय संस्कृति में तो अगर किसी के प्रति गुस्सा हो तो कहते हैं भस्म हो जाएगा। आलोक जी मुस्कुरा रहे हैं, मगर यहाँ पर तो साहब कब्र खोदना, मतलब देखिए सीएनआरसी में भी कब्र खोद रहे थे हिंदुत्व की, जबकि हिंदुत्व में तो कब्र खुदती नहीं है, मगर वहां भी हिंदुत्व की कब्र खोदने वालों के नारे का समर्थन हो रहा था, और यहाँ भी कब्र खुद रही है। ठीक है, अब देखिए इन्होंने कैसे जोड़ दिया उसको। देखिए मुझे लगता है बीजेपी इस चीज में मास्टर है, हर चीज को ट्विस्ट देकर कैसे। थोड़ी मास्टरी आलोक शर्मा जी आपको भी सीखनी चाहिए, अगर इनसे मुकाबला करना है तो थोड़ी मास्टरी सीखनी पड़ेगी आपको। हाँ बेटा, लगता है तुम गु खा के ही मानोगे। देखिए मुझे लगता है कि इस तरह की मास्टरी से कहीं ना कहीं देश का नुकसान होता है, क्योंकि इस तरह की मास्टरी से आप केवल क्षणिक समय के लिए देश के जो मुख्य मुद्दे हैं उनको भटका सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं, पंजाब में जिस तरह से दोबारा से आतंकवाद की लहर दिखाई दे रही है वहां पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में क्या हो रहा है, अरुणाचल में क्या हो रहा है, चाइना जगह जगह घुस रहा है, उनको क्लीन चिट देंगे लेकिन कांग्रेस को गालियां देंगे। चाइना को कहेंगे कि ना कोई घुसा था, ना कोई आया था, ना कोई गया था, लेकिन कांग्रेस ने बहुत पहले 30 साल पहले ऐसा गलत किया था। मुझे लगता है कि ये मानसिकता जो है ये धीरे धीरे साइकोलॉजिकल वे में जनता के बीच में परोसी जाती है, और बीजेपी को ऐसा लगता है कि उनको वोट मिलता है। देश इनके लिए कभी भी इंपॉर्टेंट नहीं रहा है, यही कारण है कि तमाम चीजें हमारे सामने आ रही हैं। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, 9 वर्ष हो गए, अभी भी वो छाती पीट के पार्लियामेंट में कह रहे हैं कि एक अकेला सब पर भारी, और एक व्यक्ति, एक छोटा व्यापारी जो है उस व्यापारी की जांच कराने से डर रही है ये सरकार। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि किस तरह से एक व्यापारी को बचाने के लिए बीजेपी के प्रवक्ताओं ने स्टूडियो छोड़ दिए, बीजेपी की पूरी सरकार उसको बचाने के लिए खड़ी हो गई, लेकिन कभी सेना के पीछे खड़े हो जाओ। आप देखिए किस तरह से पुलवामा में केवल मात्र 24 घंटे के बाद
सेना के को पीछे शहीदों के पोस्टर लगाकर सेना को फ्रंट में खड़ा कर वोट मांगने शुरू कर दीजिए। दीपक जी आपको याद होगा हम इंडिया गेट पे आपके साथ एक डिबेट कर रहे थे उसमें, और यही बात मैंने उस दिन कही थी कि इनके लिए शहीद हुआ कौन, मरा कौन, नहीं मरा, कहां हुआ, क्या हुआ, दंगे फैले नहीं फैले, किसने फैलाए, इनके लिए कोई मतलब नहीं। इनके लिए शहादत भी वोट बैंक है, इनके लिए हिंदू मुस्लिम भी वोट बैंक है, और तमाम तरह से 26/11 का एग्जांपल मैंने लिया था। मुझे लगता है कि आज भी ये सरकार जो असली मुद्दे हैं देश के सामने उनसे भागना चाहती है और उन मुद्दों को फेस नहीं करना चाहती। जो ये कहते हैं कि बटाला हाउस एनकाउंटर की बात सुनकर सोनिया जी की आंखों में आंसू आ गए थे, अब इससे ज्यादा तो भावनात्मक अपील नहीं की जा सकती कि मेरे मन में आंसू आ गए। हाँ, मगर वही अगर ये कह दिया जाए कि सेना के जो जवान जिन्होंने अपना आत्म बलिदान दिया उनके प्रति सहानुभूति के शब्द कह दो तो वो भावनात्मक राजनीति है, और आतंकवादियों के लिए आंसू बहा दो और छाती फीट दो तो वो भावनात्मक राजनीति नहीं है, वो सेकुलर राजनीति है। मैं सुधांशु भाई से पूछना चाहता हूँ, 40 लोग पुलवामा में 2019 के बाद उनका शहीद शहादत हुई, वो शहीद हुए, क्या उनको आज तक शहीद का दर्जा मिल पाया है? अभी तक नहीं मिल पाया है। सुभाष चंद्र बोस को 20 साल तक आप कहते रहे कि साहब 30 साल तक भारत रत्न मिलना चाहिए, भारत रत्न मिलना चाहिए, अब तो 9 साल हो गए आपकी सरकार को आए, अभी तक क्यों नहीं दिया? केवल उन मुद्दों को आप उठाते हैं जिनसे वोट मिलती है। कश्मीरी पंडितों के मुद्दे को आपने पिछले 20-25 साल तक उठाया, जबकि जो भी घटना घटी उस समय पर आप ही की सरकार, यहाँ पर आप ही के 100 से ज्यादा सांसद वीपी सिंह को समर्थन दे रहे थे, वो आपने वहां पर समर्थन वापस नहीं लिया था 1990 में जब ये घटना घटी, लेकिन वोट मांगते रहे। आज जब कश्मीरी पंडित भाई सड़क पर आ गए, उनकी आंखें खुली कि बीजेपी किस तरह से नकली हिंदुत्व और कपटी राष्ट्रवाद का उपयोग करती है। सरकार आपकी है केंद्र में, जिम्मेदार कांग्रेस है, मतलब गजब तर्क देते हैं आप लोग। आपने कहा कि पुलवामा के सैनिकों को शहीद का दर्जा नहीं मिला, और साथ ही साथ आपने सुभाष बोस जी की बात कही, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज में जो लोग ब्रिटिश सरकार से विद्रोह करके गए थे और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए थे, जिसके लिए दिखाने के लिए भोला भाई देसाई के साथ जवाहरलाल नेहरू ने उनका केस भी लड़ा था मगर अरे कहना क्या चाहते हो? प्रधानमंत्री बनने के बाद क्या उनको भारत की सेना में वापस बहाल किया था? क्या बोला तूने? वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जो बंदूक लेकर ब्रिटिश फौज से लड़ने गए थे। फूड कॉर्पोरेशन का कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा था, शहीद का दर्जा मिल गया। मनोवर, मैंने तो आपसे कहा ना, जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको आपने किया कि नहीं? उनको किया कि नहीं बताइए। पुलवामा के जो आज की डेट में, मैं एक और बात कह दूं, शहीद का दर्जा देने के मिलिट्री के एक कुछ ना, शहीद का दर्जा देने के आर्मी के एस्टैब्लिश रूल हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। फाइटिंग होते हुए किस तरीके की प्रक्रिया में, उस प्रक्रिया के कारण टेक्निकलिटी हो सकती है, पर आपने स्वतंत्रता सेनानियों के जो रूल बनाए थे उसमें तो इनसे कहीं हल्के लोग जो पता नहीं किस किस आरोप में गए थे जेल, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो गए, वह जो बंदूक लेके लड़े थे वो सेनानी नहीं हुए। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, जब सुधांशु जी तथ्यों का इतिहास बताते हैं तब एग्जांपल्स को ज्यादा नहीं हो जाता? आपको लगता है किस किस का जवाब दूं अभी? नहीं, मैंने लिख लिया, सबका जवाब दूंगा, मेरे पास सबके जवाब है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी के लिए भारत रत्न नहीं दिया, भारत रत्न नहीं दिया, बीजेपी ने पोस्टर तक लगाए जनसंघ में, जब हम कहते थे कि उनके परिवार ने मना किया तब इनको समझ नहीं आता था, लेकिन आज शायद इनको तथ्य समझ आ रहे हैं। 40 जवानों को शहीद का दर्जा नहीं मिला, ये स्वीकार कर लिया इन्होंने, लेकिन वोट मांगते हैं, पुलवामा के ऊपर पूरा चुनाव लड़ गए लेकिन शहीद का दर्जा नहीं लिया। अगर टेक्निकलिटी प्रॉब्लम है तो कौन, क्या नवाज शरीफ दूर करेंगे उसको? सरकार आपकी है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, क्यों नहीं दूर किया? क्या विपक्ष ने रोका था आपको? हमारे टाइम में कभी ISI जांच करके पठानकोट पे जाके ये नहीं कहा कि हिंदुस्तान झूठ बोल रहा है? मुझे लगता है कि जितनी चीजें मैंने कही थी सुधांशु भाई ने सारी की सारी स्वीकार कर ली। पार्लियामेंट पे अटैक के बाद जिन लोगों ने, जिन सुरक्षा बलों के जवानों ने अपने बलिदान दे दिया था, प्राणों की आहुति दे दी थी, अफजल गुरु की सर्वोच्च न्यायालय से सजा होने के बाद 7 साल उसकी क्षमा याचना लंबित थी, 7 साल उन्होंने अपने मेडल लौटा दिए थे, पर सोनिया जी की आंखों में उनके लिए आंसू नहीं आए थे। देखिए, मुझे लगता है पाकिस्तान के खिलाफ एयर स्ट्राइक क्या और सर्जिकल स्ट्राइक क्या, सेना ने 8 से 10 बार तो हमने लिस्ट जारी की और सेना के तमाम अधिकारियों ने माना है, लेकिन हमने इस तरह से वोट नहीं मांगे उसके ऊपर। सेना हमेशा बलशाली रही, उसने हमेशा पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने से लेकर तमाम काम किए, लेकिन उस पर वोट मांगने का काम बीजेपी ने किया। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इनका एक नेता वोट मांगता था कि 30 लोग मारे गए, दूसरा वो कहता था 300 मारे गए, तीसरा कहता था 500 मारे गए। जब डिफेंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया तो उन्होंने कहा हमारे पास कोई ऐसा डाटा नहीं है, तो उस पर सवाल क्यों ना पूछा जाए? आप जब सेना की बहादुरी के नाम पर वोट मांगते हो और डिफरेंट अलग अलग तरह के बयान देते हो तो सवाल पूछे जाएंगे। जब 20 जवान शहीद चाइना के बॉर्डर पर LAC पे हुए थे और उसके बाद मोदी साहब ने कहा था ना कोई घुसा है, ना कोई आया है, ना कोई उठा है, ना कोई घुसा हुआ है, तब वो संतोष बाबू की आत्मा को कितनी ठेस पहुंची होगी वो देश समझ सकता है। बात आती है कि हमने तो पाकिस्तान के भी 2 टुकड़े किए, हमने ये नहीं कहा कि ये हमने कर दिए,
हमारी सेना थी, सेना बहादुर थी, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक मोदी जी ने कर दी थी। अब बात आती है अफजल गुरु पर। अफजल गुरु की डेड बॉडी छोड़िए, एक पेन भी उसके परिवार को नहीं दिया, लेकिन बुरहान वानी की बॉडी, डेड बॉडी इन्होंने वहां पर दी। लाखों लोग इकट्ठे हुए और उसके बाद लोकल वहां पर भर्ती बढ़ गई। ये कांग्रेस के और उनके काम करने में फर्क होता है। हमने तमाम जो आतंकवादी थे उनको फांसी तक पहुंचाया, चाहे वो कसाब हो चाहे अफजल गुरु हो। 9 साल हो गए, एक आतंकवादी को फांसी लगी हो तो उसका नाम जरूर बता के जाइएगा आप लोग। इन्होंने एक बात और बड़ी अच्छी कही थी कि सुभाष चंद्र बोस जी के साथ जो लोग थे उनको स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा नहीं मिला। मेरे पास इस तथ्य की वैधता का तो प्रमाण पत्र नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि सुभाष चंद्र बोस जी की सेना जब अंग्रेजों से लड़ रही थी तो RSS अंग्रेजों की सेना में भर्ती होने के इश्तेहार दे रही थी कि आप अंग्रेजों की सेना में भर्ती होइए, और भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध करने के लिए अगर कोई सबसे आगे था वो आस खड़ी थी। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। विदेशी कंपनियों की बात करते हैं आप, हमने तो ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर आज तक अगर किसी ने भी हमारे अनुकूल काम नहीं किया तो उससे लड़ने का काम किया है। हमने गूगल के कार्यालय पे 6 दिल्ली पुलिस वाले नहीं भेजे। हमने BBC ने अगर कुछ छाप दिया मोदी के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ कोई डॉक्यूमेंट्री आ गई तो उनके यहाँ पर ED के छापे नहीं पहुंचवाए। एक दिन दो दिन डराया और उसके बाद आज तक देश को पता नहीं क्या मिला वहां से और क्या नहीं मिला है। हमने अपने यहाँ के अखबारों के ऊपर, दैनिक भास्कर हो चाहे NDTV हो, तमाम लिस्ट है जिसने मोदी जी से सवाल पूछा उसके यहाँ पर छापे पड़े और रिजल्ट क्या हुआ आज तक पता नहीं। तो कंपनी, विदेशी कंपनियों की, तो हमने ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर और आज तक अगर हिंदुस्तान का कोई अहित हुआ है तो हमने उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी है। ठीक है, लेकिन दुर्भाग्य आगे चलते हैं। और आप एक व्यापारी की जांच करने से भी डरते हैं क्योंकि आपका याराना गहरा है उससे। ठीक है, चलिए, अडानी अंबानी कोई आज में तो बने नहीं, ये भी एक सवाल है, इसके इस पे भी विमर्श होना चाहिए। लेकिन डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, मैं इस बहस को एक स्टेप आगे ले जाना चाहता हूं। हम तो कह रहे हैं ना, कांग्रेस के समय की भी जांच कर लीजिए, JPC में अडानी का कांग्रेस का कार्यकाल भी शामिल कर लीजिए। अगर कांग्रेस ने गलत किया है तो उसकी भी जांच कर लीजिए। मोदी साहब अडानी के आ से भी क्यों डरते हैं? हम तो सोचते चीन से डरते हो तो अडानी से भी डरते हैं। उन्होंने कहा एक भी आतंकी नहीं फांसी चढ़ा, कारण जानते हैं क्या आलोक जी? इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमारे दौरे हुकूमत में आतंकी घटनाएं होनी बंद हो गई, दक्षिण कश्मीर के 4 जिलों में रह गई। आपके जमाने में दिल्ली, मुंबई, गुवाहाटी, हैदराबाद, चेन्नई, लखनऊ, वाराणसी, जयपुर, नागपुर, पुणे कहां नहीं होता था? चलती ट्रेन में, चलती बस में होते थे, होने बंद हो गए जनाब। मौके से पहले ही हम लोग उसको दबोच लेते हैं, इसलिए ये अंतर आया है। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। देखिए, मुझे लगता है 2017 का RTI का जवाब है कि 3500 से ज्यादा बार सीज फायर का वायलेशन हुआ है। पठानकोट हो, उरी हो, जालंधर हो, जम्मू हो, श्रीनगर हो, पठानकोट हो, ये हमारे समय में नहीं हुई। पार्लियामेंट पे अटैक हमारे समय पे नहीं हुआ, कंधार हमारे समय पे नहीं हुआ। मुझे लगता है सोचने से पहले सुधांशु भाई को सोचना चाहिए कि एक उंगली मेरी तरफ कर रहे हैं तो 3 इनकी तरफ जा रही है। आप देखिए, मोदी जी ने जब जब चुनाव लड़ा है, गुजरात के अंदर भी, आप देखिए गोधरा का किसने भुनाया, गोधरा को, गोधरा के लोगों की डेड बॉडीज को लेकर अहमदाबाद में कौन सड़कों पर निकला, अक्षरधाम को किसने भुलाया, करवाली बेइज्जती। आपने 2013-14 में के दौरान किस तरह का नैरेटिव बनाया कि भ्रष्टाचार फैल गया है, 2G हो गया, कोलगेट हो गया, उसके बाद मुंह की खानी पड़ी। एक कांग्रेसी को आप जेल में नहीं डाल पाए, आपको याद होगा तमाम तरह के आरोप लगे, लेकिन CBI ने कहा कि हम 1 साल से बैठे हुए हैं। किसने कहा कि काला धन आएगा? काला धन बढ़ गया, स्विस अकाउंट में अकाउंट बढ़ गए। रविशंकर प्रसाद जी की वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस याद आती है कि हम आएंगे और आते ही जो है हम जो स्विस बैंक के अकाउंट होल्डर्स हैं उनके नाम दे देंगे, और उसके बाद आते ही पलट गए। ये पलटू राम सरकार है, बिना डाटा की सरकार है। चलो, ये 2014 से हो रहा है, देंगे ना नोटबंदी। आलोक भाई, मेरा एक पर्टिनेंट सवाल है, बड़ा सीधा सवाल है मेरा। आप 2014 से यही बोल रहे हैं, 15 में बोला, 16 में बोला, 17 में बोला, 18 में बोला, 19 में भी बोला, 20 में भी बोला, 21 में भी बोला, 22 में बोला, अब 23 है, सुनेगी आपकी यही बातें जनता? मैं ये जानना चाहता हूं, 2014 से लेकर 2019 तक BJP की मात्र एक सरकार राज्य में रिपीट हुई थी, उसका नाम था गुजरात, और वो भी बॉर्डर पर, बाकी सारे चुनाव हारे थे। आप देखिए किस किस तरह से 2000 राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पूरा साउथ इंडिया, 3 बार दिल्ली, 35 से ज्यादा चुनाव हारे हैं। हम अगर कोई बात कह रहे हैं तो एक वर्ग सुन रहा है, एक वर्ग को अभी शायद समझ नहीं आ रही है, एक वर्ग को बस धीरे धीरे एक वर्ग को समझ आने लगी है कि किस तरह से देश को गुमराह किया जाता है। 2019 में जिस तरह से केवल और केवल एक मुद्दा बना दिया गया कपटी राष्ट्रवाद का, मैं फिर कहूंगा, और कपटी राष्ट्रवाद ये था कि सरकार का फेलियर था कि हमारे जवान शहीद होते हैं, 300 किलो RDX कहां से आया ये नहीं पता चला, लेकिन उसको पूरी तरह से अपने कुछ मीडिया के साथियों के माध्यम से उसका नैरेटिव चेंज कर दिया गया कि यही राष्ट्रवाद है, दूसरा देश होता है, इतने जवान शहीद होते हैं, इस्तीफा देना पड़ जाता। ठीक है, आपने, मैं तो पूछ रहा हूँ, किसी जज के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला शुरू हुआ था, वो कहां तक पहुंचा है भाई? क्या वो कोई
गुजरात सुप्रीम कोर्ट ने की थी, सरकार का कहना है? आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ। अरे मैं वही कह रहा हूँ ना, क्या हुआ था उसमें? जांच एजेंसी सुप्रीम कोर्ट थी क्या? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने जांच की अंदर, सुप्रीम कोर्ट ने जांच की, सरकार का कोई लेना देना नहीं था। मैं फिर कह रहा हूँ जिसके ऊपर आरोप लगे थे वही जांच कर रहा था और दिल्ली पुलिस रिपोर्ट दे रही थी। छोड़ दीजिए, बहुत लंबी बातचीत। नहीं तो मतलब तो आप तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर एलिगेशन लगाने लगे, तमाम तरह के शब्दावली इस्तेमाल किए। आरके सिंह जब, अरे सुनिए ना भाई, अरे पूछ रहा हूँ भाई, कहाँ है? मैं एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ जांच कहाँ तक पहुंची है। मैं केवल ये पूछ रहा हूँ उसके यहाँ पर कोई चार्जशीट फाइल हुई, उसमें आरोप लगा? मैं किस, मेरे ऊपर कोई आरोप लगा दे तो भाई साहब 2 घंटे के अंदर अंदर चला जाऊंगा। जिन लोगों ने कहा कि हिंदू आतंकवाद है, आरके सिंह साहब कह रहे थे मेरे पास तमाम सबूत पड़े हुए हैं, वो आपके यहाँ पर मंत्री हैं, उनको हटा दीजिएगा। अगर थोड़ी सी भी ये रहे कि भाई आपके पास तो, आपने तो हिंदुओं को बदनाम किया था, जो लोग हिंदू आतंकवाद कहते थे उनको आप मंत्रिमंडल में रखते हैं, आप लोगों के दोहरे चेहरे हैं, खत्म। अब बताइए मैं क्या करूंगा। एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ, अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। If you look at this from your side, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी, बी को थोड़ी मदद रखिए। वे मैं तो तेरा मन पर आ।